औरंगजेब जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। छह नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के गांव में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस इलाके के घरों की विस्तृत जानकारी होने के कारण राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक काराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ